सो हाई गाइस, हम अब आए हैं, वी आर बैक। थोड़ी देर के लिए होटल में गए, खाना खा के फ्रेश हुए, बहुत मिट्टी में हो रहे थे, पसीनों में, बहुत गंदा फील हो रहा। और हम ना वाइट टाउन में तो रुके ही हुए हैं, लेकिन यहाँ की चार स्ट्रीट है, मैं उनके नाम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बाकी जो चार स्ट्रीट जो यहाँ की फेमस हैं, जहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, लाइक जैसे गोवा में फोंटेनास है, तो हम उन स्ट्रीट्स पे आए हैं। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, मतलब कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। फोटोजेनिक प्लेस, तो लोग यहाँ आते हैं, घर है वैसे यहाँ पे लोगों के, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं और अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करा के जाते हैं एज अ मेमोरी। तो हम भी यहाँ पे वही करने आए हैं, और फिलहाल मेरा मन है कि हम स्कूटी पे घूमें। हम ना कुछ फ्रेंच डिजर्ट ट्राई करने आए हैं बेकर स्ट्रीट पे। लेट्स गो, आ जाओ। साथ वाले वीडियो वाले पे जा रहा था क्या? लेट्स गो। ओके गाइस, यहाँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं यार। सो मैक्रोन तो मैं दिल्ली में भी ट्राई कर चुकी हूँ। I wanna try one piece है बस इसका, ये this is expensive यार। Wow, ये वाली choco bar, ये it's very expensive but just look at the art, कितनी सुंदर लग रही है। तो मैं dessert try करने आई हूँ by the way, and I'm gonna try something different, let's see। लेकिन वो मैं दिल्ली में भी ट्राई करती हूँ। और हमने ये लिए हैं माइल्ड फ्यूलेस वनीले, नाम नहीं दिख रहा था, सो दिस वन। एंड ना मेरा कुछ और लेने का भी ट्राई है, ये वाला मन कर रहा था लेकिन मन नहीं भी कर रहा, मतलब मैंगो खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब से वहाँ से वो खा के आई हूँ ना, मुझे तब से नितिन मैक्रोन बोल रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैक्रोन की जगह, लेकिन ना मतलब जो सेंस नहीं बन रहा, वो जस्ट एक ही देंगे ये, तो रहने ही देते हैं, है ना। और आगे यहाँ पे भाई मैं इसको देख के डर गई। ओके, एंड यहाँ पे काइंड ऑफ कुकीज़ है, ठीक है, और हमने साथ में कॉफ़ी भी ली है, ये भी बता दो, ये फ़ोन लेके भाग रहे हैं। सो गाइस, हमारी डेजर्ट्स आ गई हैं, नाम मत पूछना इनके नाम क्या थे, हम लोग खुद नहीं याद, मैंने दिखा दिए थे पर। हाँ, ये लिया हमने, ये लिया, और कैफे लाटे लिए, कैफे लाटे का दिल मैंने बिगाड़ दिया थोड़ा, चलो ट्राई करते हैं। हर्ट खराब कर दिया तुमने, इतना अच्छा हर्ट बनाऊंगा दिल तोड़ देता है। हम दोनों ना मतलब नॉर्थ इंडियन छोड़ के किसी रेस्टोरेंट में जाने लायक नहीं है। पहली बार तो समझ नहीं आ रहा है खाएं कैसे। मैंने सुना ऐसे खाते हैं, समझ, ये रोटी है, इसमें क्रीम लगा, सब्जी, और ऐसे खा। फिर हमने देखा, और ये उंगली पे लगे, ये भी। फिर हमने देखा सामने कैमरा लगा हुआ था, इसलिए ये लोग फ्रिज के पीछे जाके बैठे थे। मैं बता रहा हूँ, वो ना सोच नहीं रहा है, वो गिल गिला टाइप से हो गया है, ऐसे खाया जाता है। पूछा था कौन सी टेबल पे बैठ रहे हो, हमने कहा फ्रिज के पीछे। कह रहा इसलिए जाके बैठे थे, इनको गंद मचा हमने, हम जैसे मर्जी हैं। इन्होंने कटलरीज ला के दी, किस लिए ला के दी? गोच मचा दी। जैसे पैन नहीं आते हैं खाने वाले, चाय में डुबका के खाने वाले, ये उस टाइप में है।
और ये हो गया हिल मिला, फिर टूटने है क्रिस्पीनेस चली गई इसकी। बट मजाक से हटती खाना बहुत टेस्टी है, यहाँ के रिव्यूज बहुत अच्छे थे एंड दिस इज द रीजन यहाँ के रिव्यूज अच्छे थे कि सीरियसली टेस्टी है। तो नया 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 रुकना एक ही पता, अगर कोई रेस्टोरेंट बिजी नहीं है और उसको दिखाना है कि वो बिजी है तो क्या करेगा? सही में दी बिजी रेस्टोरेंट और खाली पड़ा है। पैक करा ले क्यों? सो गाइस हम अभी आते हुए ना यहाँ पे मेरा शोरमा खाने का मन हो रहा था, जब स्कूटी से गए थे ना सामने बेकर स्ट्रीट पे तो मेरी दिखा रहा है उसके बाद कभी नहीं पता। देखो ना हाँ मैंने देखी उसके बाद इनको भी नहीं पता क्या घटा इनके साथ। सो वी आर हैविंग शोरमा और ये साथ में इडली सांभर वगैरह का है। शोरमा रोल लिया है, ले थी स्कूटी मुझे मॉल नहीं लेके गए, अभी मॉल ही फाइनली अभी हम आए हैं प्रोविडेंस व्हाटएवर प्रोविडेंस मॉल। ओके तो मेरे को ना बेसिकली मैक्स भी जाना था क्योंकि मैक्स में जैसे हमारे होटल के बाहर सेल चली हुई है और मेरे को ना फाउंडेशन लेना है, मेरा फाउंडेशन खत्म हो गया है तो चलो हम अंदर जा रहे हैं। फाइनली मैं देखने आई हूँ कि यहाँ पे मुझे मिलेगा या नहीं, मैं डिस्काउंट पूछ रहा हूँ। तो मैंने मेजिन फिट में मैं यूज़ करती, मैंने वही लिया है एंड मैंने पहले डिस्काउंट पूछा इनसे, अगर अच्छा डिस्काउंट हुआ तो मैं सुपर स्टे देख लूँगा। मेरे को पता है क्या लगा था बंद हो जाएगा बिल्कुल MRP पे एक रुपए भी डिस्काउंट नहीं दिया इसको। मॉल अच्छा है ना ये? SNL की सिम चाहिए है तो हम वही लेने आए हैं, शायद मना कर दिया। और जी अपना फेवरेट जूस कॉल पे आए हैं और ये ना कल भी हम देख रहे थे यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड प्लेस रहता है, लाइक जस्ट आप देख ही सकते हो एक जूस की जगह इतनी ज़्यादा क्राउडेड कैसे हो सकती है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ का हमें भी ट्राई करना चाहिए और लेकिन लगे हैं लाइन में हमारे लिए जूस लेने। मैंने वही एज यूजुअल लिया है वाटरमेलन जूस, गाइस मेरा वाटरमेलन जूस तो आ गया लेकिन यार इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने शुगर डाल रखा है इसमें बहुत ज़्यादा। ये बंदा कुछ डिफरेंट ही ट्राई करता है तो इसको ये कोकोनट का कुछ था ये ट्राई करना था। अगर एक से पी लूँगा मैं मेरे वाला अच्छा है ना।